श्री राम की कहानी। राम कौशल्या माँ का प्यारा, भरत कैकेयी का ध्रुव तारा, सूर्य वंश को मिला सहारा, शत्रुघ्न लखन सुमित्रा नंदन। धीरे धीरे समय बीता, देखते ही देखते बड़े हो गए बच्चे चारों। वेद वेदांत और शास्त्रों का ज्ञान, देखते ही देखते दोनों बने बुद्धिमान और बलवान। राम ने चलाए बाण जो लगे जाकर निशाने पर, लक्ष्मण ने भी तीर चलाए जमकर। गुरु विश्वामित्र हुए प्रसन्न, सखियों संग सीता सभा में आई, स्वयंवर शुरू होने की हुई घोषणा। एक के बाद एक कई राजकुमार आए, लेकिन एक भी शिव धनुष ना उठा पाए। प्रत्यंचा चढ़ाई और कर दिए उस धनुष के दो भाग। राजा जनक आए राम के पास, लेकर सीता को अपने संग। राम तुम हो विजयी। अगले दिन जब राजा दशरथ राम को राजा बनाने के विचार में थे, कैकेयी आई चेहरे पर गुस्सा लेकर। क्या बात है कैकेयी, तुम्हारा चेहरा क्रोध से लाल क्यों है? महाराज, याद है आपने दिए थे मुझे दो वरदान? रानी कैकेयी, आज आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम आपको देते हैं दो वरदान। महाराज, समय आने पर हम आपसे ये दो वरदान जरूर मांगेंगे। मेरा वचन, मेरा अभिमान। आज मैं चाहती हूँ वो दो वरदान। ध्यान से वरदान मांगना कैकेयी, अयोध्या का कल तुम्हारे वरदान पर निर्धारित है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? आपके साथ वनवास स्वामी। वनवास तो मुझे मिला है और ये बहुत कठिन भी होगा। कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाना ही भाइयों का कर्तव्य होता है। हमें आपके साथ जाने दीजिए। स्वामी, हर परिस्थिति में अपने स्वामी का साथ निभाना ही एक स्त्री का कर्तव्य होता है, तो मुझे भी अपने साथ ही ले चलिए स्वामी। ठीक है। युगों युगों तक अमर हो गए श्री राम निभाकर पिता के वचन। जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई राम और लक्ष्मण ने। सोचते ही ये बात सूर्पणखा के दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। भैया, क्या आप जानते हो कि सीता इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, और ऐसी स्त्री तो केवल लंका में ही शोभा देती है। ऐसी है बात तो उचित है, कारण मैं चला करने सीता का अपहरण। सीता को दूर झाड़ियों के बीच दिखी एक चमकती चीज। पहले लगा कि है वो सूरज की एक तेज किरण, पर पत्तियां हटी तो दिखा वो तो है एक सुनहरा हिरण। स्वामी, मुझे वो हिरण चाहिए। भैया, ये हिरण तो सच में बहुत ही सुंदर। मैं जाता हूँ हिरण को लाने। मेरे आने में जो देरी हो, लक्ष्मण तुम यहीं अपेक्षा कर सीता का ध्यान रखो। आप निश्चिंत होकर जाइए। क्यों इतना वक्त लग रहा है लक्ष्मण? क्या राम पे कोई मुसीबत आई? घबराइए मत माता सीता, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे भैया निपट ना पाए। बाण जाकर सुनहरे हिरण पर जैसे ही लगा, उसकी माया टूट गई और वो मारीच के भेष में वापस आया। लेकिन मरने से पहले उसने राम की आवाज में सीता और लक्ष्मण को पुकारा। सीते, लक्ष्मण। लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, राम पर आई है कोई बड़ी मुसीबत, जाओ जाकर उनकी मदद करो। फिर चले राम को लाने और सीता से बोले, ये लक्ष्मण रेखा किसी को देगी नहीं अंदर आने, आप इस रेखा के अंदर ही रहिए।
कुछ देर के बाद सीता को एक आवाज आई बाहर। एक बूढ़ा साधु मांग रहा था कुछ आहार। भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। ये लीजिए ऋषिवर, मैं आपके लिए आहार लाई। साधु ने पास आने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण रेखा ने उन्हें रोका। और जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, साधु ने अपनी असलियत दिखाई। वो साधु नहीं था, रावण था। वो संत नहीं था, पाखंडी था। जटायु नाम के एक गिद्ध ने सीता को बचाने की कोशिश की। जटायु ने बताया सीता का हुआ हरण करके ले गया है रावण। रास्ते में राम और लक्ष्मण को मिला एक पंडित, पर वो कोई साधारण नहीं था पंडित। ए प्रभु राम, क्षमा कीजिए। प्रणाम महाराज सुग्रीव, ये श्री राम और लक्ष्मण हैं, ये दोनों आपकी मदद करेंगे। प्रणाम श्री राम, बोलिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। प्रणाम वानर राज सुग्रीव, असुर राज रावण छल कपट से मेरी प्रिय पत्नी सीता को पंचवटी हाँ? की कुटीर से उठा कर ले गया है। क्या आप बता सकते हो कि वो लोग किस दिशा में गए हैं? कुछ दिन पहले की बात है, आकाश पथ से एक उड़ता हुआ रथ जा रहा था और उस रथ से हमें किसी स्त्री की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बचाओ बचाओ कह के पुकार रही थी, सीता, और उसी से कुछ गहने आकर यहाँ गिरे थे। ये रहे वो गहने, क्या ये आपकी पत्नी सीता देवी के हैं? आप चिंतित ना हो भैया, हम सीता माता को जरूर वापस ले आएंगे। मुझे हराया बाली ने बेईमानी से, अब आप ही मुझे मेरा राज्य वापस दिलाएं आसानी से। सीता माता, मैं हनुमान, श्री रामचंद्र ने भेजा है मुझे। इंद्रजीत प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का, उसे नहीं था पता कि ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हनुमान का। परंतु शस्त्र के सम्मान में हनुमान जी ने झुकाया अपना सिर। बंदी बना के ले जाए गए हनुमान रावण के दरबार में। फिर अब मजा चखाता हूँ तुम लोगों को, बस देखते जाओ। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से आग लगाई हर दिशा में। जब पूरी लंका में शोर मच गया, भागो भागो सब। जलती पूंछ से लगा दी आग, सोने की लंका जलकर हो गई राख। राम, ये है दरिया दिल विभीषण, ये हमारा साथ देंगे हर क्षण। पहुंचते ही लंका, एक के बाद एक रावण की सेना का विनाश करती रही वानर सेना, जो राक्षसों पर पड़ी भारी। शूरवीर राक्षसों की सेना गिरने लगी सारी। फिर अयोध्या पहुँचे सब जन, दिए जलाए मनाया जश्न। भरत ने राम को राज्य सौंपा। फिर राम राज्य का युग आया। तो बोलो
श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बस बस अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। कहाँ रह गए राजू जग्गू और ढोलू भोलू? भीम मुझे फिक्र हो रही है, हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो राजू ढोलू भोलू। ढोलू भोलू कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे खुद कैसे ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है, ये जहाज तो चलता भी होगा। तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। हाहाहाहा
गए काम से। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओ, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। जेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। मानी दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को। अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं।
बचाओ! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। भीम भी अंदर फंस गया। अब एक ही चीज कर सकते हैं। एक, दो, चलो। मेरा हाथ पकड़ो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। दिखा देता हूँ कि मैं ही हूँ सबसे बड़ा बलवान। चुप रहो बेवकूफ। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी।
रस्सी तक नहीं पहुंच सकते। आपका वजन आपको नीचे ही ले आएगा। तुम दोनों को तो मैं। ये क्या हो रहा है? वो देखो, सब लोग किसी चीज के नीचे छुप जाओ। ये पत्थर तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकता। ये लो भीम। खुशियों भरा सवेरा आया, खुशियों भरा सवेरा।